नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। एक हफ्ते बाद गुरुवार को फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि दर्ज की गई है। पेट्रोल का भाव देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। गुरुवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में 35-35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में पेट्रोल 86.65 रुपए प्रति लीटर हो गया है और डीजल 76.83 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। लगातार हो रही बढ़ोतरी से पेट्रोल डीजल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर महंगाई पर भी पड़ता है। इसी तरह एलपीजी सिलेंडर के दाम भी 25 रुपए बढ़ गए हैं। गौरतलब है कि बजट में पेट्रोल और डीजल पर कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया गया है, लेकिन सरकार का दावा है कि इसका आम उपभोक्ताओं पर असर नहीं होगा। आपको बता दें, इंडियन ऑयल के मुताबिक उपभोक्ताओं को 14 किलोग्राम वाले नॉन सब्सिडी घरेलू गैस सिलेंडर के लिए अब ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। एलपीजी सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ गए हैं। इसके लिए दिल्ली में 719 रुपए प्रति सिलेंडर, कोलकाता में 745.50 रुपए प्रति सिलेंडर, मुंबई में 710 और चेन्नई में 735 रुपए प्रति सिलेंडर देने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल लगातार मजबूत हो रहा है। हालांकि भारतीय बास्केट के लिए जो कच्चा तेल आता है उस पर अंतर्राष्ट्रीय रेट का असर 20 से 25 दिन बाद दिखता है। वहीं आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी होने के बाद दिल्ली में गुरुवार को पेट्रोल जहां 86.65 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है, तो वहीं डीजल 76.83 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। इसी तरह मुंबई में पेट्रोल 93.20 रुपए प्रति लीटर और डीजल 83.67 रुपए प्रति लीटर, चेन्नई में डीजल की कीमतें 80.41 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं नोएडा में पेट्रोल की कीमतें 85.91 रुपए प्रति लीटर हो गई है, तो वही डीजल की कीमतें नोएडा में 77.24 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई हैं। गौरतलब है कि साल 2021-22 के बजट में पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर कृषि सेस लगाया गया है। हालांकि इस सेस का उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि कृषि सेस को बढ़ाने के साथ ही बेसिक एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के रेट को कम कर दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।